सभी को नमस्ते और मेरे YouTube चैनल पे आप सबको मैं फिर से स्वागत करती हूँ। तो कल हम लोग का गुरु जी दलाई लामा जी का जन्मदिन है, इसके लिए तो थोड़ा सा एक छोटा सा केक बना रहा है, केक बनाएगा तो कल के लिए आज से रेडी कर रहा है। तो हर साल हम ऐसे ही केक बनाते हैं घर पे, ऐसे गैस में बनाऊंगा, ओवन तो नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, बिस्किट से बनाएगा, बाउंस बिस्किट से, और ये ओरियो बिस्किट, इसको सफ़ेद को अलग कर देगा हम क्रीम को। हर साल हम लोग ऐसे ही घर पे केक बना के ऐसे मनाता है, इस बार एक ही नहीं है, हर साल हम ऐसे मनाते हैं। इस बार मैं यूट्यूब बना रहे बोल के ऐसा नहीं है, हर साल हम मनाते हैं घर पे केक। मैं इससे मारूंगा टॉक टॉक, मारो केक बनाने के लिए देसी इलाज देसी तरीका क्या करेगा ना, अभी ओवन होने से बिना लाइट नहीं है ना, टूटिंग पे लाइट सिर्फ रात को 2 घंटे देते हैं, 8 बजे से लेके 10 बजे तक देते हैं, दिन भर लाइट नहीं होता है। तो ओवन होने से भी क्या फ़ायदा है ना, फायदा नहीं है। हम लोग ऐसे बनाते घर पे लाइट आओ ना, दूध थोड़ा ऐड करके। हेलो आओ, तो थोड़ा पानी ऐड करेगा, क्यों ही अब अच्छे से मिक्स करूँगा। अम्मा जो पाइन दिन दोस आ चुंकर जिगा ना जुमे समाधान पेपर मंगो जानो ओ जानो का। हेलो हेलो कोई दे अच्छा नेट देखो, तो हम इसमें थोड़ा घी ऐड करूँगा, हाथ फिर सा या अरे बोल तो घी डाल के मजे से बनेगा। देसी घी है, देश का घी है, देश का घी। हाँ सपोस ऑर्गेनिक है ना, हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक घी ये जो गाय का घी है। देसी घी को लोग एक इसमें हमने ना देसी घी डाला है, देसी घी को अच्छे से मैं मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा हो गया ना, जैसा रहेगा कुछ देखिए हम इन थपा कठा रोपे नहीं, अब इन दोनों में एक एक पैकेट इन डालूँगा सॉफ्टनेस के लिए। मैं इसमें बेकिंग पाउडर सोडा कुछ नहीं डालेगा, ये सब डालेगा इन डालेगा, इनो इनो से बहुत सॉफ्ट होता है।
नहीं कुछ भी नहीं जानूंगा, ऑलरेडी बहुत मीठा है ये अमिता से नीस नहीं। बटर मुसोतिला चीला चारी कोई ना लोग तो कुछ मार के अभी डालूंगा इसमें देखिए ये ओरियो ये बाउंस। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, पहले नमक रख के नमक के ऊपर रखेगा, नमक को अच्छे से फैला के तो चलिए पहले ये ओरियो बिस्कुट डालूंगा, उसको ढक्कन ढक्कन लगाएगा, इसके ऊपर ये डालूंगा, उसको ढक्कन लगा के बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा क्योंकि केस में तो रिस्की है ना, ये कपड़ा डाल के रखा है इसमें, दिखाऊंगी बाय। चलिए मैं चेक करूंगा कुक हुआ नहीं हुआ, ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें ये आ रहा है, बाकी इसको देखूंगा इसका कैसा हो गया। वाओ नाइस, कुक हो गया, वाओ केक में कुछ अच्छा से बस दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश से गार्डन गार्डन हो गया भाई। अच्छा सब 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 खुशी से गार्डन गार्डन हो गया यार, मेहनत हम लोग का मेहनत रंग ला दिया। वाओ देखो पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, पूरा देखो इतना सॉफ्ट, देखो वाओ सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट सॉफ्ट इतना गर्म इतना गर्म है, इतना गर्म है, यहाँ रख देता हूँ और इसको ढक्कन लगा के रख देता हूँ। दादा केक पूरा छा सो केक या को पे छा छा सब सब जो आंटी सनी तो बी, और देखिए मेरा केक पूरा हो गया है अच्छा से, इसको मैं अच्छे से ढक के रखूँगा, लाइट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा बाहर पे लाइट नहीं है ना इसलिए इसको यहाँ से कवर कर देता हूँ, तो कल इसको डेकोरेशन करेगा, इसका नाम वगैरह कल लिखेगा। ओके ऐसे ना यहाँ बेटूटिंग में लाइट भी नहीं है और नेट भी नहीं है, ऊपर से बारिश इतना गिर रहा है और इसके ऊपर से रोड भी पूरा ब्लॉक है और दुकान में भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत हालत खराब है यहाँ बेटूटिंग में, रोड पूरा ले गया है, जो नीचे जो जो ड्यूटिंग से यहाँ से ड्यूटिंग से ना आदमी लोग जाने वाला लोग वापस आने में वो पूरा पैदल मर के आ रहे हैं, सब हिंजों से पूरा ड्यूटिंग का पैदल मर के आ रहे हैं, इतना मुश्किल हो गया है, हालत ख़राब हो गया है यहाँ ड्यूटी का पूरा, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं रास्ता कब ठीक होगा, कब अच्छा होगा ड्यूटी में, भगवान। थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा जो हम लोग का रिसेंट रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसका वीडियो में दिखाऊंगा आपको।
रास्ता बोलो हो गया काम काम खत्म काम खत्म हो गया। देखो तो पूरा पार गिर गया। आइया रास्ता पूरा जो रास्ता होते ना रास्ता जो ऐसा होते ना वो सब पूरा ले गया बोल रहे तो 2 घंटा के लिए देता है। हम लोग अंधेरे में बैठा था, अभी लाइट आ गया। ये जाओ नांजे छे माले कावा फूर गिए। फिर से लाइट चला गया है, 8 बजे को आया था ना, तो अभी हम लोग जनरेटर चला रहे हैं। देखिए जनरेटर चलाया है, देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे, इतना बारिश हो रहा है। टूटिंग में दिमाग खराब है, दिमाग खराब।